Om Ajnan Timran Dasya Gyananjan Salakaya Chakshuna Militamin Tasmai Shri Gurvin Nama Mukam Karoti Vachalam Pamulam Hayati Girim Yat Kripa Tam Bandi Shri Guru Deen Dharmam Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Dev Maheshwara Gurur Sakshad Parambrahm Tasmai Shri Gurveen Nama. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai, Jai Gopal. Aye, meri priya behan bhaiyo, aap bane rahiye hamare saath. Aapko achche achche bhajan sunne ko milenge aaj. Ye Krishna Bhajan Sabha. आपके कल्याण के लिए आयोजित की जाती है आप सभी का कल्याण हो सभी पर श्री हरि की कृपा बरसे आज का भजन है हरि बिनु कौन जो पार लगाए किसी की नौका यदि बीच समुद्र में और समुद्र के अंदर भी किसी बड़े भंवर में फंस गई हो तो वो क्या करेगा वो क्या पुत्र को पुकारेगा या धन को पुकारेगा या स्त्री को पुकारेगा नहीं वो अवश्य ही क्योंकि आत्मा भगवान का एक अंश है इसलिए अंत समय में अजामिल जैसे पापी को भी नारायण की याद आती है इसलिए वो अंत समय में भी उस नारायण का गोविंद का नाम पुकारेगा कि भगवान बचा लो मेरा पुत्र इसमें सक्षम नहीं है मुझे बचाने में ना कोई यार दोस्त ना नारी रिश्तेदारी ना मेरी धन संपदा ना पद प्रतिष्ठा हे प्रभु मुझे बचा लो अवश्य बात बराबर लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि हमारी सबकी नौका ही उस समुद्र में बीच भंवर में फंसी हुई है ये भंवर क्या है ये जन्म मरण जरा व्याधि का भंवर है जो बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम बार बार जन्म हो रहा है बार बार मर रहे हैं चूसे को चूस रहे हैं हजारों बार जो भोग कर चुके उनको पुनः पुनः आके फिर भोगने लगते हैं और उस हरि को भूल जाते हैं ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है हमारी इसलिए उस भंवर में डूबने वाला मेरे जैसा कोई दीन फकीर ये हृदय के भाव प्रकट कर रहा है आप लोगों के समक्ष कि उस भंवर में फंसे हुए फकीर को क्या करना चाहिए तो पुकार रहा है हरि को इन शब्दों में हरि बिन कौन जो पार लगा सारे यत्न कर लिए जब तप संयम नियम दान व्रत यज्ञ जीवों पर दया पवित्रता लेकिन इन सब के परे वो हरि हैं उनकी कृपा के बिना तो ये भवसागर जन्म मरण जरा व्याधि का चक्र नहीं छूट सकता उनकी कृपा अवश्य चाहिए ज्ञानी को भी भक्त को भी तपस्वी को भी यज्ञस्वी को भी दानेश्वर को भी हरि बिन कौन जो पार लगा हरि बिन कौन जो पार लगा बीच भंवर में नौलख नौका बीच भंवर में नौलख नौका गुड़ गुड़ गोते खाए हरि बिन कौन जो पार लगा कौन जो पार लगाए नौका कौन जो पार लगाए नौका
हरि बिन कौन जो पार लगाओ। रूपा नारी कामना आई, रूपा नारी कामना आई, बेटा खड़ा लखा, बेटा खड़ा लखा, सखा सने ही दूर खड़े हैं, सखा सने ही दूर खड़े हैं, लाख याद माए हरी बिन, लाख याद माँ आए हरी बिन, कौन जो पार लगाए हरी बिन, कौन जो पार लगाओ। कौन जो पार लगाए हरी बिन, 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 कौन जो पार लगाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरि बिन कौन जो पार लगाओ। धन दौलत दो धेले का अब, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी, देश विदेशों में अरबों खरबों की संपदा एकत्रित करी। धन दौलत दो धेले की अब, यूनान में एक फकीर हुए हैं बहुत महान, जिनको डायग्नोज नाम से जाना जाता है। सिकंदर के सामने खड़े हुए कि अरे सिकंदर ठहर, मैं एक बात पूछता हूं प्रेम से, उसका जवाब दे जा फिर चला जा, जल्दी करो बाबा मुझे देर हो रही है। हाँ, मान लो तुम किसी बड़े रेगिस्तान से दिन के दोपहर के वक्त, जहां गर्म हवाएं चल रही हैं, धूप से पसीने लथपथ शरीर को कर रहे हैं, प्यास से मर रहे हो, पानी नहीं दिखाई दे रहा मीलों मीलों तक, कोसों तक, उस समय मैं वहां पर प्रकट हो जाऊं और मेरे हाथ में एक जल का लोटा हो और तुम कहो कि बाबा मैं प्यासा हूं, मुझे लोटा दे दो जल का, और मैं कहूं भैया ऐसे कैसे दे दूंगा, मुझे भी तो चाहिए। हाँ, एक शर्त पे दे सकता हूं, तुम इस लोटे जल के लोटे की क्या कीमत अदा कर सकते हो, तुम तो महान सिकंदर हो, बड़े साम्राज्य के सम्राट हो, बोलो बोलो। ऐसी दशा में जबकि तुम प्यास से अमरे अमरे हो रहे हो, सिकंदर कहते हैं कि ऐसी अवस्था आ जाए मेरे सामने तो मेरा, मुझे, मैं अपने जीवन को बचाने के लिए मेरा आधा राज भी तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन मुझे जल चाहिए वरना मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। लेकिन डायनोजिस कहते हैं कि यदि मैं आधे साम्राज्य में ये जल का लोटा नहीं दूं तो, सोचो, सोच के बोलो सिकंदर। तो सिकंदर कहते हैं कि यदि मैं
कुछ ही पलों में मरने ही वाला हूं जल के बिना, तो मैं उस लोटे पानी का पूरा साम्राज्य मेरा तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा, लेकिन मुझे जल चाहिए, अपना जीवन बचाना है। सिकंदर, उतर जाओ घोड़े से, अहंकार से नीचे। इस मद में क्या रखा है, जब तुम्हारे राज्य की कीमत एक लोटा ही पानी है, एक लोटा पानी है राज की कीमत, तो बोलिए तुम्हारे राज की क्या वैल्यू है, क्यों इतना अहंकार करते हो। हरि बिन कौन जो पार लगाए, हरि बिन कौन जो पार लगाए। बीच भंवर में नौलख नौका, बीच भंवर में नौलख नौका, गुड़ गुड़ गोते खाए, हरि बिन कौन जो पार लगाए, हरि बिन कौन जो पार लगा। कहा है रूपा नारी काम ना आई, बेटा खड़ा लखाए, बेटा खड़ा लखाए, सखा सने ही दूर खड़े हैं, सखा सने ही दूर खड़े हैं, लाख याद माँ आए हरि बिन, लाख याद माँ आए हरि बिन, कौन जो पार लगाए हरि बिन, कौन जो पार लगा। धन दौलत दो ढेले की अब, धन दौलत दो ढेले की अब, फिर भी फेंकी न जाए फकीरा, धन दौलत दो ढेले की अब, अंत समय में ये धन दौलत मरने वाले की दृष्टि में दो कौड़ी की हो जाती है, क्योंकि ये कोई काम नहीं आती, ये निकलती हुई सांसों को नहीं बचा सकती। धन दौलत दो ढेले की अब, फिर भी फेंकी ना जाए फकीरा, फिर भी फेंकी ना जाए, अब डूबी नैया, अब डूबी नैया, राम रमैया बचाए फकीरा, राम रमैया बचाए, हरि बिन कौन जो पार लगाए, हरि बिन कौन जो पार लगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। कौन जो पार लगाए फकीरा, कौन जो पार लगाए फकीरा, कौन जो पार लगाए हरि बिन, कौन जो पार लगाए हरि बिन, कौन जो पार लगाए। अंतिम क्षण भी याद करे मन, हाँ अंतिम क्षण भी याद करे मन, तो मन मोहन आए फकीरा, तो मन मोहन आए,
नहीं किसी भी रूप में। हाँ अंत सम हाँ अंतिम क्षण भी याद करे मन तो मन मोहन आए। सांख्य फकीरा हरि भजन बिन सांख्य फकीरा हरि भजन बिन वृथा जन्म गवाए हरि वृथा जन्म गवाए। कौन जो पार लगाए नौका कौन जो पार लगाए नौका कौन जो पार लगाए हरि बिन कौन जो पार लगाए हरि बिन कौन जो पार लगाए हरि बिन कौन जो पार लगाए। बीच भंवर में नौलख नौका बीच भंवर में नौलख नौका गुड़गुड़ कोते खाए मगिया गुड़गुड़ कोते खाए फकीरा गुड़गुड़ कोते खाए हरि बिन गुड़गुड़ कोते खाए हरि बिन कौन जो पार लगाए हरि बिन कौन जो पार लगाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। कौन जो पार लगा जय गोपाल। बहुत धन्यवाद आपने कृष्णा और आज की सभा का दूसरा भजन भी इसका भी आनंद लेंगे। मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सिर के ऊपर सदा रखियो मेरे सिर के ऊपर सदा राखियो तेरे चरणन की छावरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे। भगवान श्री श्याम सुंदर जी का शरीर बड़ा सांवला है रंग रूप में, जैसे अषाढ़ के उमड़ते हुए मेघों से उपमा देते हैं भक्त कवि लोग, लेकिन उस अद्भुत कांति के दर्शन करने के लिए तो प्रेम का अंजन नेत्रों में हो और भक्ति मई हृदय हो तो संभव है कि उस कांतिमान मणि समान श्याम सुंदर के दर्शन हो जाए। जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं वो बोल नहीं सके, कैसे बोले कैसे समझाए कि उनका रंग कितना उनका अंग प्रत्यंग कितने सुंदर, फिर भी उन्हें सांवरा कह के संबोधित किया है। सांवरा कलर किसी काले कलर को नहीं कहा जाता है। कहना असंभव है मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सिर हाँ हाँ मेरे सिर मेरे सिर के ऊपर रखियो तेरे चरण की छावरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे।
दीन फकीर हूँ तेरे दर का, दीन फकीर हूँ तेरे दर का, एक तेरा ही मुख नाम रे, एक तेरा ही मुख नाम रे। कभी वृंदावन कभी मथुरा कभी चित्त में गोकुल गाँव रे मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे। मेरे सिर के ऊपर रखियो तेरे चरण की छाँव रे मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे। एक सहारा तेरा गोविंद, एक सहारा तेरा गोविंद, जीर्ण गरीब की नाव रे, जीर्ण गरीब की नाव रे। करूं बिछौना जब जहां देखूं, करूं बिछौना जब जहां देखूं, तेरे चरणन की छाँव रे मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे। मेरे सिर पर सदा राखियो तेरे चरणन की छाँव रे मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे। गहरा दरिया तीव्र गति जल, गहरा दरिया तीव्र गति जल, उखड़ न जाए पावरे। गहरा दरिया तीव्र गति जल, उखड़ न जाए पावरे। सांख्य फकीर पे कृपा करो हरि, सांख्य फकीर पे कृपा करो हरि, थाम लो आकर बावरे मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे। तेरे हाँ तेरे चरणन की छावरे मेरे सांवरे, मेरे सांवरे। मेरे सिर पर सदा राखियो तेरे चरणन की छावरे मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे। भगवान से विनती की है कि हे प्रभु, हे सांवरे सलोनी श्याम सुंदर, सदैव मेरे ऊपर कृपा रखना, मेरे सिर के ऊपर आपके श्री चरण कमलों की छाव बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपके चरणों में। इसको स्वीकार करना, जय गोपाल। इसी भजन के साथ में आज की सभा को विराम देते हुए आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। आने वाली दिनों में जो दूसरी कृष्ण भजन सभा का आयोजन होगा, उसमें हरि कृपा से अवश्य आप लोगों के समक्ष और नए नए भजन लेकर आऊँगा, सुनाऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय गोपाल। माधव।